अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए एबशर की सर्विस तवासल के थ्रू रिक्वेस्ट सबमिट करवाई थी, सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए थे, साथ में ऑनलाइन इंश्योरेंस भी बाय की थी, फ़ीस भी पे की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड ना हो सका। जो उन्होंने रिक्वेस्ट सबमिट करवाई थी वो रिजेक्ट हो गई, कैंसिल हो गई। तो ऐसी सूरत में अब आपने क्या करना है, कैसे अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। मैंने जब अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड किया था, मैंने 3 अप्रैल को अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड किया था और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली एक्सटेंड हो गया था, किसी किस्म का कोई एरर कोई रिजेक्शन नहीं हुई थी। मेरे कुछ व्यूवर्स का, कुछ ग्रुप मेट्स का ये मसला चल रहा था कि उन्होंने तवासल के ऊपर रिक्वेस्ट सबमिट करवाई लेकिन उनका फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड ना हो सका, जैसे मैंने आपको बताया। तो ऐसी सूरत में उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मुझसे पूछा, कमेंट बॉक्स में भी कुछ व्यूवर्स ने पूछा, तो मैंने उनको यही रिकमेंड किया कि आप जवाजात विज़िट करें। उन्होंने जवाजात विज़िट किया और उसके बाद जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया वो आपके साथ शेयर करूँगा। आप भी ऐसा ही कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली का भी विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। उन्होंने, जैसे मैंने उनको बताया, वो जवाजात उन्होंने विज़िट किया। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सर उधर बहुत ज़्यादा रश था और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जिस टाइम मॉर्निंग में जवाजात का ऑफिस ओपन होता है उसी टाइम आपने जाना है और आपके सिटी में जो आपके पास नियरेस्ट ब्रांच है जवाजात की, आप वहाँ जा सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आप उनको अपना इशू एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपने जाने से पहले आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने अपनी फैमिली मेंबर्स के पासपोर्ट्स साथ में लेके जाने हैं और अपना इकामा भी साथ में लेके जाना है और फिर जाके आपने जवाजात ये अपना इशू एक्सप्लेन करना है कि आपने फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए तवासल की सर्विस के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी थी लेकिन आपका फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड ना हो सका, आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो कैंसिल हो गई, रिजेक्ट हो गई, तो प्लीज़ हमारा फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर दें मैनुअली। तो इंशाल्लाह वो आपकी जो रिक्वेस्ट आप उनको करेंगे उसके ऊपर अमल करेंगे और उसी वक्त आपकी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। ये फीडबैक जो मेरे व्यूवर्स ने मुझे दिया था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपका भी काम ऐसे हो जाएगा और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।